नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का महाज्ञान प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का विषय है तुलसी को कब लाएं घर, ग्रह बने बलवान, हो जाए शीघ्र विवाह। आज का महाज्ञान इसी बात पर आधारित होगा। तुलसी में कई गुणों के साथ एक विशेषता यह भी है कि वह आपके ग्रहों को बलवान बनाते हैं। तुलसी चमत्कारिक और आध्यात्मिक पौधा है, इसीलिए हर घर के आंगन में तुलसी होती है। स्पेशली सनातन धर्मी और हिंदू धर्म के लोगों में ज़्यादा होते हैं और इनकी नित्य पूजा अर्चना भी होती है। तुलसी विवाह भी करवाए जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ लोगों को कुंडली देकर ये कहा जाता है कि तुम्हारी दो शादी होगी, तो उनको खेजड़ी विवाह, विष्णु विवाह, तुलसी विवाह, इस प्रकार के विवाह करवा दिए जाते हैं ताकि दूसरी शादी का भय या जो होने वाला है वो योग कट जाए। जल में इसे डालने से वह गंगा जल समान पवित्र हो जाता है। तुलसी में रोगों को नाश करने का विशेष गुण है। सुबह अगर खाली पेट दूध में तुलसी डालकर पिए तो हृदय और कैंसर जैसे रोग नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको तुलसी किस दिन लाने और हमारे कौन से ग्रह को बलवान करने का लाभ मिलता है यह बताऊंगा। सोमवार के दिन आप तुलसी घर लेकर आएँ तो चंद्रमा नीच का हो तो भी उसमें बल मिल जाता है। मंगलवार को लाएँ तो सभी ग्रहों की बाधाएं दूर हो जाती है और कर्ज से समस्या जो है वो सॉल्व हो जाती है। बुधवार को घर लाकर तुलसी पौधा लगाएं तो धन की परेशानी खत्म हो जाती है। गुरुवार को तुलसी घर में आंगन में लगाई जाए तो शीघ्र आपकी कामना पूरी होती है, बच्चों की शिक्षा और दीक्षा में लाभ मिलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि इस दिन 1-7-3 यानी 1 तुलसी, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी को लाकर अलग अलग गमलों या ज़मीन में रोपें तो शीघ्र विवाह भी हो जाता है। शुक्रवार को अगर आप किसी नदी या तालाब के किनारे जाकर तुलसी पौधा रोपण करें तो मुकदमे से छुटकारा मिलता है। शनिवार को घर लाई तुलसी ऊपरी बाधाओं से मुक्त करती है और इनके पत्ते तोड़ने चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, रविवार को तुलसी न लाना और न ही पत्ते तोड़ने चाहिए, ये याद रखना। लेकिन रविवार को जल अर्पण करने से रोगों से मुक्ति जरूर मिलती है। प्रिय दर्शकों, मैं रोज़ाना बड़ी छोटी छोटी बातों में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। इन्हें सहेज के रखें, लिख के रखें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और प्रसन्न रहें। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।